Hello, welcome to CAREER STRATEGIST. We are discussing Civil Services Preliminary Examination 2019, question paper 2 CSAT, and this is part 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4. और इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कुछ कंप्रिहेंशन की, और ये कंप्रिहेंशन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 के बाद. सो आठ कंप्रिहेंशन है, इस आठ कंप्रिहेंशन पे हमें फोकस करना है. ये लिखा है अल्प साधन युक्त IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सस्ती वस्तुएं हैं जिसमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इसकी लागत बढ़ जाती है. इस श्रेणी के वस्तुएं नए अनुप्रयोगों एप्लीकेशंस के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही है. अनेक गृह उपयोगी अप्लायंसेज थर्मोस्टेट ताप अस्थाई ई थर्मोस्टेट सुरक्षा और मॉनिटर डिवाइसेज जो है व्यक्तिक सुविधा अनुप्रयुक्त IoT की श्रेणी में आती है. इसी प्रकार की स्वास्थ्य पर दृष्टि रखने वाली अनुप्रयुक्तियां कतिपय चिकित्सीय इम्प्लांट्स और कारों ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियां भी इसी श्रेणी में आती हैं. उम्मीद है कि IoT कई गुना रफ्तार से बढ़ेंगे, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां निरुत्साहित कर रही है. इस पैराग्राफ में लिखा है कि IoT जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इसमें चिंताएं बनी हुई है, और इस चिंता के कारण ये इसका उपयोग बड़े पैमाने पे होने पे आगे हो सकता है कि ऐसी कोई दिक्कत आ जाए. तो लिखा है अब इसमें कि सर्वाधिक विवेकपूर्ण निष्कर्ष क्या है. भारत में प्रौद्योगिकियों को विकास और निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है. आसन सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत IoT को अपनाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं है. सस्ती लो एंड IoT अनुप्रयुक्तियों को विकसित होने से जीवन अधिक आरामदेह बन जाता है. ये तो है, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं कतिपय IoT अनुप्रयुक्ति में इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है. बिल्कुल ही सही जवाब है इसमें यही, क्योंकि जैसे जैसे हम इसके ज्यादा एप्लीकेशन पे अब निर्भर होते जा रहे हैं, हमें इसके खतरे को पहचानना भी आवश्यक है, और यही इसमें बेस्ट जो है वो आंसर है. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है, अगला पैराग्राफ से देखिए, ये भी डिजिटल पे ही है. जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रों को पुनर्संरचित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है. इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप में अब उपनिवेशन करें. विकासशील देशों के बड़े आंकड़े बिग डाटा मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं, और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है. यह आसूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना और एकाधिकार पर किराया वसूल करना शुरू कर देती है. उदाहरण के लिए टैक्सी की सेवा प्रदान करने वाली बड़ी विदेशी कंपनी कारों और चालकों का नेटवर्क नहीं है. यह आने जाने लोक परिवहन सड़कों यातायात नगर की घटनाओं यात्रियों और चालकों की से डिजिटल सूचना ही है. मतलब इसका उनके पास डाटा है, और इसी डाटा के आधार पे ये कैब की सेवा शुरू की जाती है. तो ये अब इसमें जो लिखा है कि सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण कोरोलरी क्या है, तो इसमें लिखा है कि वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है. ये तो गलत है. विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए. भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रसारित करना चाहिए. बड़े आंकड़ों के बदले इसका कोई अल्टरनेट नहीं है. भारत में बड़े आंकड़ों की हानि और इसकी विदेशी व्यापार की मात्रा मान के समानुपाती, ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है. तो इन चारों में से बेस्ट सुटेबल आंसर यही है कि व्यापार तो विश्व स्तरीय होनी चाहिए, लेकिन अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए. सो ये इस पैराग्राफ से निकल के आएगा. अगला है इसी पैराग्राफ पर रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद से सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से परिलक्षित होता है. डिजिटल दिव्य स्थान के बड़े आंकड़े मुख्य संसाधन होते हैं.
बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो विकासशील और दूसरे देशों से भी आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है, दैट इज नॉट करेक्ट। बड़े आंकड़ों तक पहुंच और स्वामित्व तो विकसित देशों की विशेषता है, ऐसी भी बात नहीं लिखी हुई है। विकसित देश चूंकि ये आंकड़े प्रयोग करके और बड़े बड़े उसको प्रसारित करते हैं और उसका उसको बेचते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इसलिए बड़े हैं, इनकी विशेषता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बड़े आंकड़े जो है यही मुख्य संसाधन होते हैं जिसके आधार पे ये बड़े बड़े बिजनेस होते हैं और उसको बेचा जा सकता है, उस पर एक अधिकार स्थापित किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं और इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में है भारत समेत पूरे विश्व में निर्धनों, भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है, निर्धनों का नगण्य योगदान रहा है जलवायु परिवर्तन में, तथापि इसके प्रभावों का सामना करने में सबसे अग्रिम पंक्ति में है। कृषक अब बरसात तापमान ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं करते और अधिक बारंबार होने वाली आत्यंतिक मौसमी घटनाएं जैसे सूखा और बाढ़ महाविपदाओं के रूप में परिणमित हो सकती है और नए खतरे सामने हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि, जल पूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव। छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण हैं, छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण हैं, पूरे विश्व में लगभग 2 अरब लोग भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर है, छोटे कृषि फार्मों पर। भारत में छोटी जोत वाले किसानों ने देश का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जिसका स्थानीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान है। अब इसके बाद लिखा है कि उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण कोरोलरी क्या है। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यवली का महत्वपूर्ण भाग है। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी, ऐसी कोई बात इसमें लिखी नहीं है। ये लिखा है कि 41% उनका योगदान रहता है, बाकी बड़े जोत वाले किसानों का होता है, लेकिन कोई समस्या होगी ऐसी कोई बात लिखी नहीं। भारत में केवल ये भी लिखा है छोटी जोत वाले किसान खाद्य पदार्थ सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी इसको एक्सप्लीट बनाता है केवल का यूज, इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होगा, दूसरा कोई आंसर इसमें नहीं हो सकता। उपयुक्त परिच्छेद परिलक्षित करता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की संभावित समस्या है, ऐसी कोई बात लिखी नहीं है पैराग्राफ में। भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होगी, ये लिखा है इसमें कि आपदा प्रबंधन हो सकते हैं, तरह तरह के सूखा और बाकी चीजें जो हो गए असामयिक वर्षा और इस तरह की बारंबार होने वाली आपदाओं के बारे में धारणा व्यक्त की गई है। तो ये अवश्य धारणा को उस धारणा के आधार पर है कि इनसे निपटने के लिए अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी चाहिए, इसलिए ये ज्यादा सटीक है, इसलिए आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ बी, ठीक है। अगला पैराग्राफ ये है और इस क्वेश्चन की देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के चाहे कितने भी अनिच्छुक हों, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करती है या उत्पादन करती है उच्चतर करों और नियामक बोझ का सामना करेंगी, कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों का उपयोग में लाना असंभव होगा, उनके पास सिर्फ अवरुद्ध संपदा तेल और कोयले के वे निक्षेप जो जमीन में छोड़ देना पड़ता है बचे रहेंगे, अन्य उद्योग अपेक्षाकृत और अधिक आत्यंतिक मौसम तूफान बाढ़ उष्णता लहर और सूखा से होने वाली आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है,
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा, ये लिखा हुआ है कि कम हो जाएगा, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है, ये भारी जोखिम जो है इसको एक्सप्लिसिट बनाता है इसमें। तो ये जोखिम तो है बट भारी जोखिम है, ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, इसलिए मेरे ख्याल से 1 और 2 सही है, 3 जो है एक्सप्लिसिट बना रहा है इसको, और ये अतिवादी कथन है इसलिए हम इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ की बात करते हैं। अगला पैराग्राफ में क्या है, विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई दे रही है। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया है। इन कोटाओं में सामाजिक एकीकरण और शिक्षा के साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस होती है जिसमें गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। समानतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय ही अवसर की समानता हो, इस शिक्षा प्रणाली का विचार है जिसका मुख्य ध्येय है अवसर की समानता, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रचारों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है, इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। तो इसमें लिखा है कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है। अवसर की समानता एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है, ये अधिनियम बना करके सरकार ने इसको प्रमाणित किया है। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समानतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और आधिकारिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही एक समानतावादी शिक्षा सुनिश्चित का एकमात्र, ये एक्सप्लिसिट बनाता है इसको, है ना। तो ये दूसरा जो है, चूंकि ये असमर्थ है तभी शिक्षा प्रणाली समानतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ था तभी रेगुलेटरी बनाई गई है, इसलिए इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड, तीसरा नहीं होगा, एकमात्र उपाय ये एक्सप्लिसिट इसको बना रहा है, अतिवादी कथन है ये, पहले इसके अलावा भी उपाय थे और उपाय हो सकते हैं, इसलिए अतिवादी कथनों से बचना चाहिए। छठा पैराग्राफ है, भारत में तपेदिक संक्रमित बहुसंख्यक लोग निर्धन है और उनको पर्याप्त पोषण उपयुक्त आवास का अभाव है और बचाव के बारे में उनकी समझ न के बराबर है, ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है। तपेदिक टीवी को कहते हैं, टीवी लिखा हुआ है यहाँ पे, निर्धनों को और निर्धन बनाता है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है और उन्हें निर्वासन रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई यह है कि यदि तपेदिक उन्हें ना भी मारे तब भी भूख और गरीबी से वे मर जाएंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इनका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार और साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव यंत्रणाकारी पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी का उपचार करने जारी करने में हतोत्साहित करते हैं, जिसके अनर्थकारी परिणाम स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। अब यहाँ पे इसमें लिखा है कि सर्वाधिक तर्क संगर और निर्णायक संदेश क्या है, भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है, ये गलत है, साध्य रोग है, बहुत सारे लोग ठीक होते हैं और बहुत सारे लोग इससे मुक्त होते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता होती है, ये ठीक लिखा हुआ है कि जो सामाजिक उसमें आखिरी पैराग्राफ में इस बात का वर्णन है कि उसके लिए परिवार का संबल और बाकी जो ये लिखा है कि जो लांछन है, परामर्श का अभाव है, महंगा उपचार है, इसके अलावा पर्याप्त संबल का अभाव और ये सब मिलकर रोगी को उपचार करने में हतोत्साहित करते हैं, यानी ये सब तो एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए दवाई के अलावा, तो इलाज और चिकित्सीय के अलावा इन सब चीजों की जरूरत होती है। सरकार के निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों तक उपचार नहीं पहुंच रही है, ये बात गलत है,
ये इसमें लिखा नहीं है और इसमें है कि उसमें सुधार किया जा सकता है, एक्सप्लिसिट नहीं है, नहीं है, ये गड़बड़ है। भारत तपेक्षित जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा, केवल तभी मुक्त होगा, ये भी इसको एक्सप्लिसिट बनाता है, जब निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावकारिता और सफलता से कार्यान्वित किए जाए। ये दोनों एक्सप्लिसिट है तो बी ज्यादा सुटेबल आंसर है और बी ही इस सवाल का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सेगमेंट में हम इतना क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद फिर अगले सेगमेंट में फिर बात होगी। ठीक है, अगले पार्ट में आप देखिए जरूर और अगले पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। छोटे छोटे फाइल इसलिए बनाई जा रही है ताकि आसानी से डाउनलोड आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी फाइलें बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।